दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की बात करें तो एक के बाद एक विधायक शिकंजे में कसे जा रहे हैं। देखने में आ रहा है कभी कोई आरोप लगता है, कभी कोई सा आरोप लगता है। आज देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर प्रदर्शन भी करा। हमारे बीच में कुसुम तोमर जी हैं, जो कि महिला मोर्चा जिला नवीन शाहजहां में अध्यक्ष भी हैं, प्रमुख समाज सेविका भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं, प्रदर्शन पर क्या कहना है? देखिए, जो केजरीवाल सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बातें करती थी, जो केजरीवाल सरकार बसों में मार्शल की बात करती थी, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि केजरीवाल सरकार महिला विरोधी सरकार है। आए दिन कभी तो उनके मंत्री अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं, कभी उनके मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करते हैं। उसी कड़ी में एक शरद चौहान जो उनके MLA हैं, उनके कार्यकर्ता ने सोनी नाम की एक महिला को इतना प्रताड़ित करा, उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उसको अपने साथ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने साथ से मजबूर करा, लेकिन वो महिला इतनी स्वाभिमानी थी कि वो महिला ने आत्महत्या कर ली उसके दबाव में आके, उसके डर की वजह से। बचाने के लिए मंत्री जी से गुहार करी, मंत्री ने नहीं सुना, वो केजरीवाल के पास गई कि इस तरीके के मेरे साथ घटना घट रही है, लेकिन केजरीवाल जी ने बोला कि समझौता कर लो, अगर राजनीति में रहना है तो ये तो सब सहना ही पड़ेगा। इस बात से आहत होकर उस महिला ने आत्महत्या कर ली। हमने देखा उसके छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, मगर वहां कोई देखने वाला नहीं है। वो महिला जो कार्यकर्ता जिसने आप पार्टी के लिए रात दिन काम करा, आज वो महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप सरकार में महिलाओं की क्या स्थिति है। आज देखने में आ रहा है दिल्ली के अंदर विकास कार्य तो सारे ठप हो चुके हैं, सिर्फ आए लड़ाई झगड़े के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, विकास के नाम पे तो एक ईंट नहीं लगी है, विकास के नाम पे तो एक सड़क का गड्ढा भी नहीं भरा गया है, तो कौन से विकास की बात कर रहे हैं वो? मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी और उनके मंत्री इस बात को हमें बताएं कि उन्होंने विकास किया कहाँ पर है। विकास के नाम पर उन्होंने कहीं एक ईंट नहीं लगाई है। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, PWD की नालियों में सफाई नहीं की जा रही है, और बात कहते हैं कि निगम नहीं काम कर रहा है। निगम का विधायक के बारे में क्या कहना है? मौजूदा विधायक हमें पता नहीं कौन विधायक है, कहाँ है। हमें तो जिस दिन से वो चुनाव लड़के हैं, हमें तो यही नहीं पता। आज तक उनके कार्यालय में हम 10 बार गए, लेकिन आज तक हमें कार्यालय में कभी नजर नहीं आए। लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं जी कार्यालय कहाँ है, MLA कहाँ है, हम कैसे बताएं उनको कि लोग कहाँ पर हैं। महिलाओं की पेंशन नहीं आ रही, दर दर के धोखे खा रही हैं, लेकिन MLA का कहीं अता पता ही नहीं है। हम तो अभी गुमशुदा के लिए एक पोस्टर और लगवाने वाले हैं कि जी MLA को ढूंढो कहाँ पर है। वही देखने में आ रहा है कि दिल्ली छोड़ करके उन्होंने पंजाब का रुख अपना लिया और कह रहे हैं कि पंजाब नशा मुक्त करेंगे। देखिए, पंजाब को नशा मुक्त करने से पहले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर बड़ा विश्वास जताया था और उनको 67 सीटें बड़े ये सोच कर दी थी कि नई तरीके की राजनीति यहाँ पर होगी। लेकिन आप ये देखिए कि जो राजनीति आज तक किसी ने नहीं करी वो केजरीवाल कर रहे हैं। ना तो वो किसी विकास का कोई काम कर रहे हैं, ना किसी कार्यकर्ता को वो देख रहे हैं, ना किसी आम पार्टी को देख रहे हैं। जो आज वो पंजाब की बातें कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पंजाब का नंबर है। जिस नशे की बात कर रहे हैं, देखिए पश्चिमी दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, और हम बार बार उनको चेता रहे हैं, लेकिन वो उससे बिल्कुल अनजान है, उनको कोई मतलब नहीं है उससे, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे। और पंजाब जी, कुसुम जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से तो बढ़िया शीला सरकार थी, दिल्ली में काम तो हुआ? नहीं, ऐसे तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, इनके अगर तुलना करें तो इनसे तो बेटर ही थी। अगर तुलना की बात आ जाती है तो इनसे तो सही थी। और ये लोग जो पिछली सरकार ने जो फ्लाईओवर बनाए थे उनका उद्घाटन करके अपना नाम दे रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं उन लोगों ने। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़ी बड़ी एड। अब मुझे किसी ने बताया कि राजस्थान के न्यूज़पेपर में डबल पेज पर केजरीवाल की उपलब्धियाँ वहाँ पे दिखाई जा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान के लोगों को, दिल्ली का पैसा राजस्थान के लोगों को बताने के लिए दिखाया जा रहा है कि विकास का कार्य किया गया है? हम तो दिल्ली के लोगों को बताओ ना, ये विकास कार्य किया है मैंने। वही बात करें मौजूदा पार्षद की, जाकिर खान से काफी लोग नाराज है सफाई को लेकर के। बिल्कुल, मैं खुद इस बात की शिकायत मैं कई बार उनसे कर चुकी हूँ, और कई बार उनको फोन भी करती हूँ और मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं वो बार बार। मैंने उनको लाइट लगाने के लिए बोला था, मैंने उनको गली बनवाने के लिए बोला था, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरे बार बार फोन करने के बावजूद भी मेरा फोन नहीं उठाते हैं वो, और जनता बहुत परेशान है, उनको ढूंढ रही है, उनका जागीर जी का भी पता नहीं आता पता कहाँ है वो।
कुसुम जी, कांवड़ का सावन मास शुरू हो चुका है, क्या शुभकामना देना चाहिए? मैं अपने सभी शिव भक्त कांवड़ियों को ओम नमः शिवाय बोलती हूँ और सभी शिव भक्त कांवड़ियों का दिल्ली आने पर हार्दिक स्वागत है सभी का। और मैं चाहती हूँ कि जिस कामना को लेकर कांवड़ लेकर आ रहे हैं, भोले बाबा उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करें, देश में शांति हो, अमन हो, ऐसी प्रार्थना वो लोग करें। जय भोले बाबा।